स्पीति वैली के, और देखिए अलग अलग रंग, अलग अलग पहाड़ियाँ और नदी, लगातार सीन चेंज होते रहते हैं। हर एक दो मिनट में सीन चेंज हो जाता है, तो आप 1% भी बोर नहीं हो सकते इस रोड पे। अगर जो भी वीडियो देख रहा है, और आप देखिए कि कितने अमेजिंग कलर्स हैं, कितने अमेजिंग वे में जो है पहाड़ियाँ अपना रूप बदलती हैं। कभी किसी तरह की पहाड़ी है या फिर दूसरी तरह की पहाड़ी है, तो ये मज़ा तभी लिया जा सकता है जब आप प्योरली बाइक टूर कर रहे हो। बाइक टूर में अपनी मन मर्जी है, कहीं पे भी आप रुक जाओ और इस तरह से रुक के फ़ोटोज़ लेके, वीडियो बना के और फिर आगे बढ़ा जा सकता है। एंड इट इज़ रियली, यू हैव द टोटल फ्रीडम, आपके पास में पूरी फ्रीडम होती है कि आप कभी भी रुक सकते हैं। सपोज़ ये वैन जा रही है, इसमें ये ट्रैवलर वैन है, तो ये लोग बीच में रुक नहीं सकते, इन लोगों को लेके जाएगा, ठीक है, इनकी आंखें देख पा रही हैं जो दृश्य चल रहा है। लेकिन बाइकर के पास में, जो सोलो चल रहा है, उसके पास में फिर एक और फ्रीडम है, वो कहीं पे भी बाइक रोक सकता है, कहीं पे भी रोक के वीडियो शूट कर सकता है, खुद के फोटोज ले सकता है और फिर आगे बढ़ सकता है। तो जब मामला बात जब एक्सप्लोरेशन की हो, तो निश्चित रूप से आपको इस तरह से 100% फ्रीडम के साथ में काम करना पड़ता है, तभी वर्कआउट होता है। काली डांग शूटिंग स्टोन रेंज, काजा यहाँ से 78 रह गया है और हम सुमोडो पहुँचने वाले हैं। सुमोडो के बाद में होने वाली है ग्यू मम्मी, ग्यू मोनेस्ट्री है, ग्यू मोनेस्ट्री में रखी हुई है ग्यू मम्मी, तो उसकी जो डिटेल्स है वो वहाँ जाके हम मालूम करेंगे कि किस तरह की मम्मी है, किसकी मम्मी है वो। डेफिनेटली कोई बौद्ध लामा रहे होंगे तो उनकी होगी, तो कब से रखी हुई है, देर आर सो मच हिस्ट्री टू फाइंड आउट ऑल दीज थिंग्स।